ये मेरा सितंबर मंथ का टीचर्स डे का वीडियो है। उस टाइम मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल नहीं था, लेकिन कैसे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट किए हमारे डांस इंस्टीट्यूट में, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज टीचर्स डे है। अभी मैं मेरे टीचर्स के पास जाने के लिए तैयार हो गया हूँ और ब्रेकफास्ट करके मेरी दीदी ने बनाए हैं, तो ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकलूँगा। अभी मैं रेडी हो गया हूँ, सर के लिए और मैम के लिए थोड़ा गिफ्ट खरीदना है, देन फिर सर के घर जाएंगे। चलिए। ये मैं मैम के लिए साड़ी लेने आया हूँ, संबलपुरी हैंडलूम साड़ी है ये, और मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा। इसके बॉर्डर और देखिए इसके कलर, इसके आंचल भी बहुत सुंदर है। देखिए संबलपुरी हैंडलूम है, बहुत अच्छा लगता है हैंडलूम। और संबलपुरी हैंडलूम का एक खासियत है कि आप जितने दिन भी पहनिए वैसे ही उसका मतलब लुक्स रहता है। और मैं भी जो पहना हूँ ये संबलपुरी हैंडलूम ही है, मास्क और जो शर्ट भी। चलिए सुजाता मैम के लिए भी देखते हैं। तो ये मुझे पसंद आया सुजाता मैम के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन भाई दूसरा एक दिखाए मुझे, देखिए ये, ये इसका आंचल है, ये दिखाए मुझे, ये पसंद नहीं आया। आपको कैसे लग रहा है आप बोलना मुझे कॉमेंट में, ठीक है। और मैं ये चूज किया। और फिर सर के लिए, तो सर के साइज का तो वैसे कुछ भी कलेक्शन नहीं था। मैं सर के लिए ड्रेस स्टिच किया था लेकिन मैं लेना भूल गया, तो इसके लिए मैं ख़रीदा फिर। तो हाँ, ये संबलपुरी लुक इसका है, संबलपुरी हैंडलूम जैसे दिख रहा है, और प्लेन वाला अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर, और अच्छा लगा यहाँ आके। आप लोग भी पहनिए संबलपुरी हैंडलूम, उसका लुक्स बहुत यूनिक दिखता है। तो शॉपिंग हो गया, तो चलिए सर के घर। अभी हम निकल गए हैं मेरे सर के घर, और थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि मैं मेरा हाथ आई थिंक ऑटो में भी लग गया था और जो कार में भी, तो फिर बहुत धूप हो रहा है तो फिर मैं कार को एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारे सृजन, हाँ इटा आगे सृजन में, ये सृजन पहुंच गए। ये मंदिर है, देखिए हमारा यहाँ मंदिर है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। मीता नानी गुरु जी और गुरु माँ के आशीर्वाद लिए। ये क्लासरूम है ऐश्वर्या, हाँ।
क्लासरूम है। संजय भाई हमारे सीनियर हैं। संजय भाई कुछ बोले क्या बोलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरा सीनियर है और मुझे जैसे कि छोटे बच्चे की तरह गाइड करते हैं हमेशा, तो मैं बोलना चाहता हूँ कुछ बोले वंदना पा और लीना नानी, कुछ ब्लेसिंग दे मुझे, ब्लेसिंग दे। सबको मेरे गुरु जितने भी मेरे सारे हैप्पी टीचर्स डे, और इस टीचर्स डे में हम लोग सब एक साथ मिले हैं बहुत दिन के बाद, साल में एक बार जरूर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, इसलिए हम लोग सबका फील अलग अलग है। और वो जब भी मिलता है वही रेस्पेक्ट देता है जो सीनियर को देना चाहिए, बहुत सारे डांसर्स नहीं देते पर इनको हमेशा देता है, इसलिए गॉड ब्लेस, क्योंकि ये लोग मुझे गाइड करते हैं हमेशा छोटे बच्चों की तरह, और जितना भी मैं थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा हूँ इन सब पे ब्लेसिंग के लिए, तो थैंक यू। फिर देखिए देखते हैं सब कुछ, चलिए उसके बाद हम सर के भी आशीर्वाद लिए, जो कि मेरे डांस गुरु गुरु श्री रतिकांत महापात्र जी, तो उनके आशीर्वाद लिए, सब लोग एक के बाद एक आके आशीर्वाद लिए। ये मामा का हमेशा वैसे कॉमेडी चलता रहता है उसका। फिर सब लोग अपने अपने गिफ्ट दिए सर को, मैं भी दिया, और बहुत मस्ती हो रहा था वहाँ पर, और फोटो भी खिंचाए हम सब लोग। उसके बाद हमारे सबके गुरु माँ गुरु श्रीमती सुजाता महापात्र मैम का भी आशीर्वाद लिया हम सब लोग ने, और वैसे मैम सर मना करते हैं कि हमें पूजा मत करना, फूल मत देना पैर पे, तो इसके लिए हम हाथ में फूल देके फिर आशीर्वाद लिए, और मैं मैम के लिए ये साड़ी जो लेके आया था वो मैं मैम को दिया। फिर मैं मेरा जो गुरु माँ गुरु श्री राजश्री प्रहराज मैम का मैं आशीर्वाद लिया, और मैम को मैं साड़ी दिया जो मैं चूज करके लाया था समलपुरी का साड़ी, उनका आशीर्वाद लिया। रीता दीदी कुछ ब्लेसिंग दीजिए मुझे। गॉड ब्लेस यू ऑल, ये फैंटास्टिक लाइफस्टाइल। अभी सबसे मेरे लाइफ का जो ये ओडिसी फिल्म में जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरा सबसे जो कि मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प किए हैं और मुझे आगे लेने में जो रास्ता दिखाए हैं, मेरे सबसे क्या बोलते हैं मतलब हार्ट, जो मेरे हार्ट में बैठते हैं मेरे मैम राजश्री मैम रोजी मैम, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैम कुछ बोले मुझे। गॉड ब्लेस यू रिंकू, मुझे अच्छा लगा कि तुम आज टीचर्स डे में आए यहाँ पे, और इतना अच्छा लगा कि तुम इतने सालों के बाद शायद टीचर्स डे में आए हो, और आगे जाओ और अच्छा करो, और जो भी कर रहे हो मन से करो, बस मेरी यही दुआ है भगवान से कि तुम खुश रहो और काम में आगे बढ़ो। थैंक यू। मैं कुछ भी बन रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ तो सिर्फ मैम की वजह से, मैं पहले से मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर हो डांस में कुछ भी हो तो मैम ही सब कुछ है, सच में दिल से ये है। सर का तो ब्लेसिंग है, सर तो गाइड करते हैं, बट मैम मुझे बनाए हैं, मुझे पूरा कुछ भी मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी, मैम मुझे बनाए हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आके मैं सोचा था कि ज़रूर मैं जाऊँगा इस टीचर्स डे में, और आज मैम के आशीर्वाद लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। टीकी भाई, टीकी भाई
हमेशा बैक स्टेज रहते हैं, लेकिन बैक स्टेज रह के सब कुछ करते हैं। हमारा जो आप सबके पास बहुत मस्ती हुआ और बहुत खुश लगा, और लास्ट में हम सब मिलके फोटो खींचे।